देखिए अभी हम आ रहे हैं वेस्टर्न उड़ीसा से सुंदरगढ़ और संबलपुर, उसके साथ साथ हमने वहाँ की 8 और 10 जिले हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठक की है, उनसे पूछा है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से संगठन को हम ग्रास रूट पर लेके जाएं। अभी बहुत एनर्जी है संगठन के अंदर, संगठन के लोग काम करना चाहते हैं, और आज जो एक परिस्थिति बनी है पूरे प्रदेश में और देश के अंदर वो आपके सामने है। एक ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है जो इस देश को तोड़ना चाहती है, एनआरसी सीए जैसे काले कानून लेकर और हम सबों के बीच में दरार पैदा करना चाहती है, कांटे के बीज बो रही है, अमीर और गरीब जाति के नाम पर धर्म के नाम पर हमें तोड़ना चाहती है। और दुख की बात यह है कि जो सरकार उड़ीसा के अंदर बैठी हुई है वो एक बी टीम, बीजेपी की बी टीम जैसे काम कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर जाकर जब सीए के ऊपर वोटिंग होती है, एनआरसी के ऊपर जब चर्चा होती है तो वो ताली बजाते हैं और वोट डालते हैं, और वापस आकर उड़ीसा के अंदर वो यू टर्न ले लेते हैं। तो ये बात साफ करनी चाहिए नवीन पटनायक जी की सरकार को, बीजेडी को, कि उनका स्टैंड क्या है, क्या वो उड़ीसा की जनता के साथ है या वो मोदी जी का क्या काला कानून के साथ है, ये उनको बताना। सर आप पहले से ही संगठन सुधारने की बात कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि फर्स्ट पेज में आपके कर्मियों नेताओं के बीच कलेश दिखाई दे रहा है, या आप जो पोजीशन में रहना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन इससे अच्छा कभी भी नहीं रहा जितना अभी भी है, और हमारा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम मौका दें, जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हों वो युवा बने, ये हमारा प्रयास रहेगा और यही हमारी गाइडलाइन है कि हम आज युवाओं जो उड़ीसा के लिए कुछ करना चाहते हैं, उड़ीसा के लिए दर्द है उनके दिल के अंदर, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि उड़ीसा को वो आगे। सर क्या कमियां क्या देखे जो उसको सुधारेंगे आप अगले दिनों में? देखिए कमियां बहुत सारी रही हैं और कमियों से ही सीखने का मौका हमें मिला है, गिर के ही एक व्यक्ति सीखता है, कमियां बहुत सारी रही हैं, लेकिन आगे हमारा जो सबसे बड़ा एक कदम ये रहेगा कि हम अब जो संगठन है उसके अंदर हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देंगे और संगठन को हम ग्रास रूट के ऊपर लेके जाएंगे। सर यहाँ तो पुरानी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, यहाँ कुछ नेता ऐसे भी हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हटाओ, नया नेता लाओ, इंडिसिप्लिन अभी भी बरकरार है। देखिए मैं हमारे जो कांग्रेस के परिवार के अंदर हमारी जो बैठकें हो रही है उसके अंदर बहुत सारी बातें आ रही है, परिवार के अंदर हम ये सारी बात कर सकते हैं, ये सब बात ठीक है, लेकिन बाहर कोई भी बात इस तरह की करेगा या मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा सार्वजनिक रूप से कोई बात आती है तो उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई हमने करी भी है और आगे करेंगे। सर कैसे कार्रवाई किया जाएगा, जैसे अभी तो पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज करने के लिए दिल्ली में बैठक और यहाँ पे आप अंदर बैठक कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वन का बाहर भी एक मेली लगा हुआ है? नहीं ये सब देखिए आधी से ये तो सब अफवाहें उड़ रही हैं, जो भी कोई बात है वो हम सब हमारे हाईकमान को माननीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के सामने कोई बात रखे, वो बात वहाँ तक सही है, लेकिन अगर कोई बाहर कोई बात होगी तो वो एक तरह से अनुशासन कार्रवाई में आए। सर बहुत आए हैं लेकिन आप कुछ कार्यान्वयन करेंगे? कुछ हमने अभी बहुत लोगों के ऊपर डिसिप्लिन की कार्रवाई करी है और आगे भी करेंगे अगर सार्वजनिक रूप से बात आई। सर पीसीसी प्रेसिडेंट जो है वही रहेंगे, हटाया नहीं जाएगा, ये साफ होना चाहिए। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि श्री रंजन पटनायक जी इसको। ओके थैंक यू।